नमस्कार, मैं मेहन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेहतमन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का, वो पेपर जो आपका 14 जुलाई को 4 शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि 72 रुपये की राशि तीन वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। जब भी ये बात ना बोली जाए कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा समझना कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 72 रुपये जो हैं वो 3 साल में कितने हो गए भाई, 104.4। तो हम कह सकते हैं कि कितना ब्याज मिला भाई, 3 साल में कितना ब्याज मिला, इसका डिफरेंस निकाल लो तो कितना आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंस कितना होगा, 32.4। ये 3 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से काटेंगे, 3 × 3 ना जाने का आपका 0 और 3×8 = 24। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10.8। यानी कि 72 रुपये की धनराशि पर 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, 10.8। अब आप बताओ कि अगर ब्याज की दर बराबर है तो ब्याज तो जो है, अगर ब्याज की दर बराबर है तो यहाँ पे जो मतलब जो ब्याज होगा वो तो चेंज आपका होगा नहीं। तो 72 रुपये पर अगर 10.8 रुपये ब्याज मिलता है तो हम निकाल लेंगे कि 120 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, कितना होगा, 10.8/72 × 120। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 5×72 जीरो इधर अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 108। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×6 = 48। 6×6 = 48 यानी कि 120 पर 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18 रुपये। तो 5 साल में कितना मिलेगा, 18×5 = 90 रुपये। तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 120 + 90 यानी कि 210। क्लियर? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। 25% कम का मतलब अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल पूछ रहा है। स्थिर जल है, अगर स्थिर जल होगा तो नाव ही चलेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होता होगा कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। आपको ये बात पता होगी कि चाल क्या होती है, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही हम लोग चाल कहते हैं, एक यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे 1 घंटे में चली गई दूरी वो भी चाल होगी, 1 मिनट में चली गई दूरी वो भी चाल होगी, 1 सेकेंड में चली गई दूरी वो भी चाल होगी, 1 दिन में चली गई दूरी वो भी चाल होगी, 1 साल में चली गई दूरी वो भी चाल होगी। यानी कि किलोमीटर पर घंटे में चाल निकालनी, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर/घंटा आया, इसका मतलब है कि ये जो नाव है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो वही आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो नाव की चाल निकालोगे किलोमीटर/घंटे में, वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि नाव की चाल आपको निकालनी है। तो ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया हुआ है व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x + y। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। 16 और टाइम जो है वो आपका मिनट में दिया है, तो इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 15/60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 × 6 कितना हुआ आपका 60, तो 16 × 6 कितना हुआ, 64। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 64 किलोमीटर/आवर, और धारा के विपरीत यहाँ पे दूरी यही तय करनी है। अब टाइम देखो कितना लगता है, 25% कम का मतलब क्या है, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि अगर विपरीत जाने में 4 का टाइम लगता है तो यहाँ पे 3 का लगता है, तो 3 की वैल्यू 15 है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो विपरीत जाने में टाइम कितना लगता है, 20 मिनट। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि इसकी चाल क्या होगी, तो 20 × 60 हो जाएगा, तो 20 × 3 = 60, 16 × 3 = कितना हुआ, 48। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो x + y = कितना दिया है, 64, और x − y की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 48। आपको क्या निकालना है, नाव की चाल। तो y से y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 = 12, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। यानी कि इसकी जो चाल है वो 56 किलोमीटर/आवर आ गया, यानी कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 56 किलोमीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मौखिक भी कर सकते हो, आपको पता होगा कि अगर
दो चीज़ों का योग और डिफरेंस दिया है, तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इनको जोड़ के आधा करेंगे और छोटी वैल्यू निकालने के लिए इन्हें घटा के आधा करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यह दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए जो है वो इसे कितनी देर में भर सकता है, 18 घंटे में, और बी जो है वो इसे कितनी देर में भर सकता है, 24 घंटे में। तो इसका एलसीएम कितना हुआ आपका, इसका एलसीएम कितना हुआ, 72। तो 18 × 4 = 72 हुआ और 24 × 3 = 72 हुआ। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में लड्डू कितने बनते हैं, 7, बनाने कितने हैं, 72। तो इसे डिवाइड कर दो, 7 × 70 होता है, यानी कि 10 / 2/7 घंटे का समय लगेगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। यदि उनकी आयु का योगफल 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो योग का मतलब 6, 5, 11 की जो वैल्यू है वो 55 के बराबर है, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो इसकी एज कितनी हो गई भाई, 6, 5, 6 = 30 और इसकी एज कितनी हो गई, 25। पूछ क्या रहा है कि तो अब से 7 वर्ष के बाद, तो 7 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, इसकी एज होगी 37 और इसकी एज जो होगी वो कितनी होगी, 32, यानी कि जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 37:32। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर दिमाग से समझोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिन में अकेला कार्य पूरा कर सकता है, मतलब किसी कार्य को अकेले जो है 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेले उस कार्य का 7 गुना कितने दिन में करेगा। देखो दो लोग हैं, एक है भरत और एक है आपका, एक भरत है और दूसरा है अजय। अजय अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर वो एकांतर रूप में काम करते हैं, यानी कि एकांतर का मतलब एक दिन अजय ने किया, एक दिन भरत ने किया, तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 8 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 4 दिन अगर अजय काम करता है, 4 दिन अगर अजय काम करता है और 4 दिन जो है दूसरा कौन सा है, भरत, भरत काम करता है, ठीक है, तो काम पूरा हो जाता है 8 दिन में। उसी काम को अकेले अजय जो है वो कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, कैपेसिटी। तो इसको उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भरत जिस काम को 4 दिन में करता है उसी काम को अजय को करने में कितना समय लगता है, 28 दिन। तो 4 × 28, यानी कि बी और ए जो है इनकी कैपेसिटी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 1, यानी कि अगर अजय एक दिन में एक लड्डू बनाता है तो भरत जो है वो 7 लड्डू बनाता है। अब अजय किसी काम को 32 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो गया, 32 × 1। अब इस काम का 7 गुना, यानी कि 32 × 1 × 7, इस काम को भरत को करने में कितना समय लगेगा, जबकि भरत एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 32 दिन। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसे मौखिक भी इस तरीके समझ सकते थे कि 8 दिन में अगर दोनों एकांतर रूप से काम करते तो 8 दिन लगता है। इसका मतलब है इसका जो भरत का 4 दिन का काम है वो अजय के 28 दिन के काम के बराबर है, क्योंकि पूरा काम ये 32 दिन में करता है। क्लियर। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, बाकी अगर नहीं समझ में आया तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, इसे सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 3 दुना कितना हुआ, 6 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 6 × 3 = 18, तो कितना हुआ, 53 और यहाँ पे 18 × 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 36 × 72 होता है, तो कितना जाएगा, 2। क्लियर। यहाँ पे कितना जाएगा, 2 और इंटू 3 माइनस ये 4/8 इंटू 2, तो 4 × 2 = 8, यहाँ पे कितना बचा, 1 और ये 15 और 6 कितना हुआ आपका, 21 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 20। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है वो जी है, कोण ए जी बी की जो वैल्यू है, यानी कि ये वाला जो एंगल है केंद्र पर बना कोण जो है वो 132 है, तो ये वाला कोण पूछ रहा है परिधि पर बना कोण, तो इसका आधा होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको कई कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि
अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे बनते हैं तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 बराबर जो है वो 254 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 कितना होगा। देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये क्या होगा x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि इसे इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको किस किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे बनाया जाता है, इंटू एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, तीन ये घात है दो ये घात है, तो इसमें तीन में से दो गया तो कितना बचा एक, यानी कि एक घात वाला जो टर्म है वो घटाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी, क्लियर। यानी कि अगर हमें x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 निकालनी है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। आप यहाँ पे इसे और किस तरीके से बना सकते हो, इसे इस तरीके से बना सकते हो कि x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 5 पावर बनानी है तो x प्लस 1 अपान x से आप क्या करोगे गुणा करोगे, अब यहाँ पे घटाओगे क्या, यहाँ पे एक है यहाँ पे चार है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या घटाना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, क्लियर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 की फॉर्मेटिंग करो क्या होगा, तो इसे कई तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 और माइनस क्या करोगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, क्लियर। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग अगर करना चाहें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और घटाएंगे क्या इसमें से एक्स प्लस 1 अपान एक्स, क्लियर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हम बनाते हैं, क्लियर। अब जो आपके लिए सही पड़े आप उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बाकी ये फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर चाहिए होगा और उसके अलावा एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू चाहिए होगा और एक्स प्लस 1 अपान एक्स चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 है, अगर दोनों तरफ दो जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हुआ 256 और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल अप स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16, क्लियर। अब अगर हमें x प्लस 1 अपान x चाहिए तो दो फिर जोड़ो आप, तो x प्लस 1 अपान x बराबर क्या होगा यहाँ पे आएगा 18, तो 18 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3√2, क्लियर। अब x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इसका क्यूब करो तो 3 × 3 = 27 × 54√2 और माइनस 3 × 3√2, ये बात आपको पता होगी, तो 54 में से 9 गया तो कितना बचा 45√2। अब इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी है 45√2 माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी है 3√2, तो इससे सॉल्व करोगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 64 और 8 कितना हुआ 72 और माइनस 3√2, तो 720 में से 3 गया तो 717√2 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस के साथ साथ अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 16% की जो हानि है वो 20% के लाभ में कन्वर्ट हो जाती है जब प्राइस में डिफरेंस कितने का आता है 324 का आता है। तो इसमें डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगर अपोजिट चीज़ें होती हैं तो डिफरेंस जोड़ के निकालते हैं और अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट चीज़ें यानी कि डिफरेंस इसका क्या होगा, जोड़ के निकालेंगे 36% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 324 के बराबर, तो 18 × 36 और 18 × 58 जो होता है वो आपका 324 होता है, तो 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, 1% की वैल्यू 9 के बराबर, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 900 के बराबर, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो है वो 5 है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो है अगर 5 है तो इसका जो आपका
अपोजिट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो कितना हो जाएगा 1/5, क्योंकि इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अब भाई सॉल्व कर लो इसे, ये कैंसिल हो गया आपका, तो 2 sec theta बराबर कितना हुआ, अगर इसे जोड़ोगे तो 25 और 1 कितना हुआ आपका 26/5, तो 2 से काटेंगे यानी कि 13/5 आ गया, 13/5। इसे सिंपली पूरा सॉल्व करके नहीं किया गया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया, क्या 5 + 1/5 और ये 2 वाला जो है वो नीचे आ गया यानी कि 1/2, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, प्रतिशत छूट क्या होगी, मतलब टोटल छूट क्या होगी। तो देखो कितने भी डिस्काउंट दिए जाएँ उससे कोई मतलब नहीं, आपको अगर टोटल MRP और ये सारे डिस्काउंट देने के बाद SP कितना है उसका अगर रेशियो आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। 15% की अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 3/20, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया। यानी कि जो MRP 20 था, 20 की चीज़ को 17 का बेचा गया, 5 की चीज़ को 4 का बेचा गया, 4 की चीज़ को 3 का बेचा गया। तो आपका देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 20 5 100, जो चीज़ 100 रुपये की थी उसको कितने का बेचा गया, 17 51 का, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया 49 का, किस पे 100 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 49% डायरेक्ट आप कह सकते हो। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे भी सिंपली आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा देखो 7 × 2 = 14 में से 5 गया तो कितना बचा 11, और यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 3, यानी कि 11 और 3 कितना हुआ आपका 7 × 2 = 14, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 9, और 9 + 3 कितना हुआ आपका 12, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, देखो 4 + 2, 6 का वर्ग कितना हुआ आपका 12/6 का वर्ग कितना हुआ 36 और × 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 18, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, यानी कि 2/3 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात कितना है, 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, तो आय कितनी है भाई 8, आय कितनी है 8, समझ लो इसे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्यय कितना होता है 5 का होता है, व्यय जो है वो 5 का होता है, तो बचत कितनी होगी भाई, बचत जो होती है वो 3 की होती है। अब आय में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, उसके अलावा व्यय में 30% की वृद्धि की गई, तो जाहिर सी बात है इसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ भी वृद्धि हो रही, यहाँ भी वृद्धि हो रही, तो इसमें कितने की वृद्धि होगी ये आपको निकालना है। अब देखो ये आय है, ये भी टोटल आय है, इसका मतलब है इसका सम इसके सम के बराबर होगा, तो 20% अगर 8 लोगों में बांटोगे तो 8 × 2 = 16, यानी कि 160% आएगा, ये 15 150% हो गया, और ये कितना हुआ 3x, इसको इधर ले आओगे तो 10% की जो वैल्यू है वो 3x के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/3, यानी कि 3 सही 1/3%। अब प्लस आने का मतलब क्या है, इतनी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, इसमें कितना पानी मिलाना होगा ये आपको बताना है। तो टोटल भाई 55 लीटर का मिक्सर है जिसमें रस और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है, तो कितना पानी मिलाना होगा, हमने मान लिया x लीटर पानी मिलाना होगा, तो जिससे अनुपात इसका 2:1 हो जाए। अब अगर पानी मिला रहे हैं तो रस की जो मात्रा है वो बराबर होगी, तो रस बराबर कर लो, तो रस बराबर करने के लिए यहाँ पे देखो 4 है ये 2 है, तो बराबर करने के लिए इसे 1 से गुणा करेंगे और इसको 2 से करेंगे, यानी कि इसका अनुपात कितना हो गया, पहले था 4:1, फिर x लीटर मिलाया तो अनुपात कितना हो गया 4:2, तो यहाँ पे रस तो बराबर है दोनों जगह, यानी कि पानी कितना मिलाया 1:1, तो इस 1:1 की वैल्यू आपको बतानी है। वो कैसे निकालोगे, 4 और 1 5:1 की वैल्यू जो है शुरुआत में जो मिक्सर था वो कितना था 55 लीटर, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 55 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 11 के बराबर, इसका मतलब है कितना पानी मिलाना पड़ेगा 11 लीटर, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 1250 मीटर आगे पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं,
पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखो पहले समझो इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे पुलिस चोर करके भी आता है, सिपाही बिल्ली चूहा करके भी आता है, चूहा कुत्ता करके, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। 1250 इनके बीच का फासला है, ठीक है। ये आपका क्या है, पुलिस वाला है और ये चोर है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये पकड़े जाएंगे, तो ये कब पकड़े जाएंगे, जब चोर यहाँ से यहाँ तक उतने ही टाइम में जाए जितने टाइम में पुलिस वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। यानी कि जब भी दो लोगों का मिलन होता है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जब भी कोई किसी को पकड़ता है, जब भी किसी का मिलन होता है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी कि इसके द्वारा इतनी दूरी तय करने में, मतलब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, उतनी देर में अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तभी इसको पकड़ पाएंगे। यानी कि मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपका जो दूरी का अनुपात है वो उनकी चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है, 10, और चोर की चाल कितनी है, 8। यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना आ गया, 5 और 4 का। तो इनके बीच में गैप कितना है भाई, 1:1 का, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1250 का है। तो चोर के द्वारा अगर तय की गई दूरी निकालनी है तो 4 की वैल्यू निकालो, और पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी तो पुलिस हमेशा जो डिफरेंस होगा उस उतना ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 1250, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5000। 5000 आने का मतलब क्या हुआ आपका, 5 किलोमीटर। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर 32 है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे अलजेब्रा का हो गया कि x + 1/x बराबर अगर 32 दिया है तो आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, बाकी जब आप एग्जाम में करोगे तो ये चीज़ अंडरस्टूड होगी। तो x² + 1/x² अगर आपको डायरेक्ट निकालना है इसकी हेल्प से, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और इसमें से 2 घटा दोगे। तो 32 का स्क्वायर कितना हुआ, 1024 -2 यानी कि 1022 हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए बी सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करें तो कितना कार्य शेष बचेगा। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है वो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी जो है वो 20 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। यानी कि ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 5। ये कितने बनाता है, 4। ये कितने बनाता है, 3। तो भाई 5, 4, 9, 3, 12, एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 12। 4 दिन काम किया तो 48 लड्डू बन गए। तो बचा कितना काम, 60 में से 48 घटाओ 12, तो 12 60 का कितना है भाई, 1/5। यानी कि इतना काम आपका बचा हुआ है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1998 में कारखाने PQR में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखाने ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या होगा। तो 1998 में P में कितनी है, 178, यहाँ पे कितनी है, 240। तो निकाल लो भाई, 178 प्लस 240 और प्लस 150, ये इधर वाला अनुपात आएगा। और फिर ST और U का अनुपात, यानी कि 130, 177 और 192, तो कितना जाएगा, 8, 5, 9, 7, 16 हुआ आपका, और यहाँ पे 4 और 1, 5, 568 हुआ, और ये कितना हुआ, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 3 कितना हुआ आपका, 19, और यहाँ पे 4। तो ये वाला जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, दिया हुआ है कि sin Q alpha + cos Q alpha / sin alpha + cos alpha इसको सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है, A + B, इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट इस चीज़ को देखो, AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है आपका, A + B, और ब्रैकेट में A² + B² - AB, और नीचे क्या दिया हुआ, A + B। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। इसका मतलब क्या, sin² α + cos² α - sin α × cos α। अब इसकी वैल्यू 1 होती, यानी कि 1 - sin α × क्या हो जाएगा, cos α। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2018 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों से साइकिल की बिक्री, और ये जो बिक्री है वो 1000 में है, ठीक है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बस 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री क्या होगी। तो यहाँ पे कितनी है बिक्री, 25, 30, 55,
देखो 25 और 55 ये कितना है, 30 और 70 ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया आपका 80, यानी कि 180 हो गया टोटल। और एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 चुक्कू 16, 4 पंच 20, और 1000 में, यानी कि इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45,000। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर ट्रिपलेट आपको पता होगा तो तुरंत निकाल सकते हो, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। कैसे, देखो ये जीवा है जिसकी लंबाई 14 है, केंद्र से इस पर जो लंब डाला गया है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 24 है, ठीक है। तो ये दूरी निकालनी है, आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 7 होगा, तो 24 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 होगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रानू जो है वो 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है, उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकती है। तो बोतल में कितना पानी आएगा उसके आयतन के बराबर, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 आर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी होगी, 6, तो 6 × 6, और h की वैल्यू कितनी है, 21, तो 7 × 21। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इकाई के अंक वाले कॉन्सेप्ट से भी करो क्वेश्चन। देखो इकाई का अंक क्या आएगा, जो इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 3 = 18, 8 × 8 = 48, 8 × 8 = 16, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। अब ऑप्शन चेक करो, कौन सा एक ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है, तो एक ही ऑप्शन है, तो बस पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम आर ये क्या है, सर्वांगसम है, तो एम एक्स पी की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर सर्वांगसम है इसका मतलब है कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि एक्स वाई जो है वो एल एम के बराबर होगा, वाई जेड जो है वो एम आर के बराबर होगा, एक्स जेड जो है वो एल आर के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा, एल एम के बराबर होगा, एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा, एल एम के बराबर होगा। तो 2m + 1 बराबर कितना होगा, 5, तो m बराबर कितना हो गया आपका, 2, क्योंकि उधर जाएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब देखो वाई जेड जो है वो एम आर के बराबर होगा, वाई जेड यानी कि ये 2p + 2 ये किसके बराबर होगा, वाई जेड जो है एम आर के बराबर होगा, एम आर आपका कितना है, एम और आर कितना है, 8, तो ये 2 जाएगा इधर तो कितना हुआ, 6, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। उसके अलावा एक्स जेड जो है वो एल आर के बराबर होगा, एक्स जेड जो है वो कितना है आपका, 7, और एल आर कितना है आपका, 2x - 1, ये इधर भेजेंगे तो आपका कितना हुआ, 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो x किसकी वैल्यू निकालनी है, m + x + p, तो m की वैल्यू कितनी है, 2, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 × 3 = 7, 2 कितना हुआ, 9, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है a बराबर 17 है, b बराबर 13 है, तो a³ - b³ - 3a² + 3ab² इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है a - b³³, तो कितना हुआ, 17 - 13³, यानी कि 4 का क्यूब करोगे तो कितना हुआ, 64। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 11:15 है, यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यानी कि इसका डिफरेंस 4:1 की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है, तो 1:1 की वैल्यू कितने के बराबर आई, 50 के बराबर। तो लड़कों की संख्या यानी कि 11:1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 11 × 50, 11×5 कितना हुआ, 55, यानी कि 550। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।